तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज की वीडियो में हम लोग वापस से खेलने वाले हैं बेंटन अप टू स्पीड। बहुत दिनों बाद बेंटन अप टू स्पीड का हम आज एंड करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज चैप्टर 3 का एंड होने वाला है और हम डॉक्टर एनिमो को भी हराने वाले हैं। और हाँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को शेयर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में रश डालता रहता हूँ। तो बैटल मतलब लेवल 73 से हम 75 खेलेंगे, क्योंकि 75 में भाई पूरा गेम ही एंड हो जाएगा, चैप्टर 3 एंड हो जाएगा। और चैप्टर 4 की बात करें तो भाई वो दिखा रहा है कमिंग सून। और चलो भाई, यहाँ पे इस लेवल में देखते हैं हम कितने कैसा परफॉर्मेंस करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायमंड हेड बन चुके हैं। यहाँ पे एक काओ को तो मार दिया मैंने, अब साइड से जाना पड़ेगा। अभी इस उड़ते हुए रोबोट को मुझे मारना है। चलो भाई, गोरिल्ला भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। गोरिल्ला भी गया, लो भाई ये काओ भी गया। डायमंड हेड का तो अलग ही मजा है। बट यार बेस्ट की बात करें तो भाई ओवरफ्लो से बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट एलियन कोई है ही नहीं गेम में, क्योंकि वो पूरे एरिया को कवर करके ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, मिडिल सब जगह में वो अपना जो बाढ़ मचा देता है भाई, उससे कोई भी नहीं बचता। तो यहाँ पे हम लोग ओवरफ्लो बन चुके, देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा ओपी है ओवरफ्लो। और 6 एनिमी मुझे मारने हैं, 6 एनिमीज, और उसके बाद भाई मैं ये इस लेवल में 3 स्टार लेके आऊँगा, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर और 5 मारने, चलो मारते हैं। तो डॉक्टर एनिमो के भाई देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर एनिमो के जो एनिमल्स है उन, ये असल में एनिमल्स है, इन्हें भाई साहब क्या मतलब केमिकल कुमिकल करके भाई, मतलब इतना टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसने इसे रोबोट बना दिया, वो भी हमारे अगेंस्ट। अगर ये अर्थ के भले के लिए बनाता तो भाई इसे कुछ भी रिवॉर्ड मिल जाता, ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे इसने तो अर्थ को तबाह करने के लिए और हमें बेंटन को तबाह करने के लिए बनाया था, तो भाई इसका अंजाम यही होगा, हम इसे आज हराने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हो, ये बैटल हमने कंप्लीट कर लिया है, बैटल नहीं लेवल ये कंप्लीट हो चुका है, 73 लेवल। अब सीधा हमें जाना है लेवल 74। तो इस लेवल में यार 3 स्टार्स ला चुका है आपका भाई, तो श्योर लाइक मारना। सो 74 की तरफ चलते हैं। तो आ चुके हैं यार 74 लेवल पर। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एनर्जी बूस्टर ले लूँगा, नहीं वो जो सुपर चार्ज फास्ट चार्ज जो होता है वो ले लिया, और कॉइन मैग्नेट भी ले लिया, क्योंकि बूस्टर के बिना जितना मुश्किल है। चलो भाई, यहाँ पे इस उड़न खटोले को मार दिया मैंने, उड़न खटोला वाला रोबोट, अभी इसे ख़त्म करते हैं। दो गोरिल्ला गए भाई, ये काओ कैसे बच गया, सामने काओ है, चलो काओ को मारते हैं। गया भाई काओ, गया काओ, गया। चलो भाई, यहाँ पे वापस से ये रोबोट, आजकल ये रोबोट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, तो यहाँ पे चलो इन्हें मारते हैं। यहाँ पे ये गया भाई साहब, सामने फोर आर्म्स की उन में भाई, फोर आर्म्स में इतना मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। जो भी हो, यहाँ पे आगे बढ़ते, सामने काओ मुझे पहले से ही दिख रही है, चलो काओ को मारते हैं। भाई साहब, यहाँ से मैंने ओवरफ्लो यूज़ किया, वहाँ तक गया नहीं, क्योंकि वो 3 रोड्स को कवर करता है, 3 पिक्सल वाले रोड्स को कवर करता है, मतलब आप समझोगे नहीं है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ यार। जो भी हो, ये 3 एरियाज को कवर करते हैं जिस रास्ते पर आप दौड़ रहे हो। और यहाँ पे देखना भाई, मैं ट्रिपल जंप मारने वाला हूँ, ये देखो भाई, ट्रिपल जंप के लिए लाइक मारना। यहाँ पे जो भी हो, इस लेवल में तो 3 स्टार नहीं ला सकते, यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स थे। देखो असल में मिशन क्या है, इनको हमें एलियन बनकर मारना है, ना कि बेंटन बनकर, वरना ये जो फोर एलियंस है वो ख़त्म ही नहीं होंगे। देखा आपने, और देख सकते भाई, मैंने जो नॉर्मल जो मैं इंसान था, बेंटन था, बेन था भाई, मैं मार नहीं पाया, मतलब मेरा स्कोर ही नहीं हुआ, वो जो मैंने ट्रिपल जंप मारा था और रोबोट्स को भी ख़त्म किया था, 3 रोबोट मैंने ख़त्म किए थे, अभी तक मैं 3 स्टार ला लेता वैसे। और डॉक्टर एनिमो के साथ अभी हम फिलहाल फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर एनिमो भाई साहब कौन से ऐसे बहुत बड़े मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, इसलिए हमें सबसे पहले एलियन बनना पड़ेगा। हम ओवरफ्लो बन चुके हैं। अरे भाई साहब, अपनी गन से क्या मार रहा है, ये लेज़र बीम मार रहा है, बचना पड़ेगा हमें, ये जिस डायरेक्शन में मारेगा उसके साइड में हमें जाना है। भाई साहब यहाँ पे ये रुक गया था, इसने क्या भाई, वो ड्रम के अंदर कुछ पॉइजन टाइप का है जिससे कि इस मॉन्स्टर की पावर और भी बढ़ जाएगी, इसलिए ये रुक कर ड्रम के अंदर का जो पॉइजन वगैरह है, जो भी है वो गंदगी भाई वो खा रहा था। भाई साहब, फर्स्ट स्टेज तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 स्टेज अब फर्स्ट तो हो चुका है, सेकेंड कर रहे हैं हम,
यहाँ पे जो हम अटैक मारेंगे ये जो रेड बीम है वो रुक जाएगी भाई साहब, ये और एक खाएगा भाई साहब। एक ड्रम पूरे मतलब इसकी जीभ जो है ना टंग भाई साहब इतनी लंबी है कहीं कुछ भी खींच लेगा, ये मेंढक है ये असल में। लास्ट स्टेज में है यार, हम थर्ड स्टेज पर हैं ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ मामला होते जा रहा है, जो भी हो बेंटन तो हमेशा दुनिया को बचाएगा और बचाता आ रहा है, बचा रहा था और बचाएगा भी। यहाँ पे भाई साहब कितना फास्ट मार रहा है ये लेजर बीम भाई साहब। वापस से थर्ड स्टेज तो कंप्लीट हो चुका है, अब देखो ये गिर रहा है कैसे, क्योंकि मैंने इसके तीनों के तीनों स्टेज फाइनली कंप्लीट कर दिए हैं। और ये देखो भाई कैसे उबड़ खाबड़ जैसे कैसे चल रहा है भाई, चला भी नहीं जा रहा। लो भाई हमारा रस्ट बकेट आ गया और भाई इसे टक्कर मारकर मतलब इसे मार दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया ग्रैंडपा ने। तो जो भी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसी वीडियो जरूर हर रोज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, और भी लेवल सून आएंगे। तो हाँ सब्सक्राइब श्योर करना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।